प्रश्नावली चार का छठवां प्रश्न। यदि साहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय, एक खंभा है और ये साहिद है, ये जो लड़का खड़ा है वो इस चित्र में साहिद है, बोल रहे हैं कि साहिद एक खंभे का की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच हेड है ना, उसके सिर मतलब कि हेड एच से की छाया व खंभे की के शिखर क्यों, खंभे की शिखर क्यों की छाया, इन दोनों की ही छाया बिंदु डी पर, इस वाले बिंदु पर पड़ती है, इस खंभे के शिखर की छाया और इस साहिल के सिर, उसके सिर की, दोनों की ही एक साथ छाया किसमें पड़ती है, बिंदु डी पर, ठीक है। यदि डी ई, डी ई यहाँ पर साहित खड़ा है, उसका बेस हाइट है और ये नीचे वाला उसका बेस है, वो जहाँ पे साहित खड़ा है वो और वो जो जहाँ पे उसकी छाया पड़ती है उसके सिर की, वो उनकी दूरी दिया हुआ है डी ई इज इक्वल टू 1.6 मीटर, डी एफ इस खंभे की पाद बिंदु है ना, इस खंभे का जो बेस है उसका और ये जो छाया पड़ रही है इस खंभे की और साहित की दोनों की, वो बिंदु दोनों के बीच की दूरी दी हुई है डी एफ 4.4 मीटर। तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये क्यू ई की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, क्यू एफ है ना, क्यू से लेकर या फिर एफ क्यू बोल सकते हैं, ये दो ये हमें निकालना है। और क्या दिया हुआ है, जबकि साहित की लंबाई 1.2 मीटर है, ये एच ई ये वाली हाइट हमें दे दी है 1.2 मीटर, साहित की हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है एफ क्यू। इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक क्यू डी एफ और एक एच ई एफ है ना, अगर इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर ले आते हैं दोनों त्रिभुज को समरूप बना के, तो क्या होगा, ये वाला हाइट हमें मिल जाएगा, ये हाइट दिया हुआ है, इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी, साहित की हाइट और इस खंभे की हाइट दोनों एक दूसरे के संगत हो जाएगी अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप ले आते हैं तो, है ना। और ये टोटल हाइट दी हुई है और ई से लेकर डी तक इसकी संगत भुजा का हाइट दोनों का दिया हुआ है ना, सॉरी लंबाई दी हुई है डी से लेकर ई तक की और एफ से लेकर डी तक की, तो अगर हमें क्यू से लेकर एफ तक की हाइट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोनों को समरूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र कुछ इस प्रकार से है, एक खंभा है, इसी खंभे की तल पर एग्जैक्ट कौन खड़ा है, साहित खड़ा हुआ है और दोनों की छाया की बिंदु एक साथ किसमें पड़ रही है, बिंदु डी पर, ठीक है। ये यहाँ पे साहित खड़ा हुआ है और ये छाया पड़ रही है, तो यहाँ पे जस्ट खंभे के पीछे सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी खंभे पर, खंभे पर रोशनी पड़ते हुए साहित के हेड से लेकर इस बिंदु डी पर है ना, एच ई, और ये है इसका हाइट क्यू और शिखर क्यू और इसका बेस है खंभे का एफ, ठीक है। तो एच ई दिया हुआ है, साइड की हाइट दी हुई है 1.2 मीटर है ना, एफ और डी का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 मीटर, ई डी का मान है, ई से लेकर डी तक का मान 1.6 मीटर, ठीक है। तो हमें एफ क्यू पूछा है या फिर क्यू एफ, इस खंभे की ऊंचाई एफ क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, दिया है
एच ई इज इक्वल टू 1.2 मीटर, है ना। किस ये क्या है, एच ई साइड की हाइट, ठीक है। एफ डी इज इक्वल टू 4.4 मीटर, ई डी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, और पूछा क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, एफ क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एफ क्यू एफ ई सॉरी क्यू एफ डी और एच ई डी, इन दोनों त्रिभुज को पहले हम क्या करेंगे, समरूप बनाएंगे, समरूप बनाने के बाद दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, और जब अनुपात बराबर हो जाएंगे तो एफ आर ये इसकी संगत भुजा इसके अपॉन में लग करके हम तिरिया गुणा करके एफ आर एफ क्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज क्यू एफ डी व त्रिभुज एच ई डी से, पहले तो दोनों को समरूप बनाना है, तो दोनों में ही डी कॉमन आ रहा है ना, डी दोनों त्रिभुज में है, अतः दोनों में डी इज इक्वल टू कोण डी बराबर है कोण डी के, कहाँ से, उभय निष्ठ कोण, ठीक है। और दोनों में ही कोण एफ और कोण ई, दोनों त्रिभुजों का कोण एफ और कोण ई 90 डिग्री है, क्योंकि वो जमीन से परपेंडिकुलर खम्भे खम्भा भी खड़ा हुआ है और लंबवत, और साहिल भी जमीन से लंबवत खड़ा हुआ है ना। तो जब जमीन जमीन से या फिर बेस से लंबवत कोई खड़ा कोई भी चीज़ रहता है या खड़ा रहता है कोई, तो वो धरती से या फिर जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो दोनों कोण एफ और कोण ई दोनों इच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों के दोनों 90° समकोण है, कोण एफ बराबर है कोण ई के इच 90 डिग्री, दोनों ही 90° के हैं। अतः जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप है त्रिभुज एच एफ डी के, कहाँ से आइए, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो संगत भुजा क्या क्या होंगी, क्यू एफ बड़ा वाला त्रिभुज में क्यू एफ के संगत भुजा छोटा वाला त्रिभुज में एच ई, क्यू एफ अपॉन एच ई इज इक्वल टू, फिर बड़ा वाला त्रिभुज का ही लेते हैं एफ डी, अंश में जब बड़ा त्रिभुज का माप ले रहे हैं तो अंश में ही बड़ा त्रिभुज का माप को लेंगे, भुजा के माप को, एफ डी अपॉन एफ डी का संगत भुजा ई डी होगा छोटे त्रिभुज में इज इक्वल टू एच क्यू डी, क्यू से लेकर डी तक का, है ना, कर्ण से देखिए तो इसका कर्ण हो जाएगा एच डी छोटे वाले त्रिभुज का अपॉन एच डी, ठीक है। अब सबका मान रख देना है, क्यू एफ का मान क्या है वही तो निकालना है, क्यू एफ अपॉन एच ई, अच्छा एच ई का मान तो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है एच ई का मान, मतलब साइड की हाइट है 1.2, एफ डी का मान दिया हुआ है 4.4, अपॉन ई डी का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, क्यू डी का मान नहीं पूछा है हमसे, मतलब इसका तो मान दिया भी नहीं है और इसे हमको निकालना भी नहीं, निकालना तो क्यू एफ है ना, तो इन्हीं दोनों अनुपातों से हम क्यू एफ का मान निकाल सकते हैं। तिरिया गुणा करने पे क्या होगा, 1.6 इंटू क्यू एफ इज इक्वल टू 4.4 इंटू 1.2, तिरिया गुणा हुआ इसका इससे, अतः क्यू एफ इज इक्वल टू 4.4 × 1.2 / 1.6,
एक संख्या से पहले दशमलव, एक संख्या से पहले दशमलव कट जाएगा दोनों में। 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, और 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4 है ना, तो 1.1 × 3 QF दशमलव इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में एक ही दशमलव था, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, यहाँ पे ऊपर में एक और दशमलव वाला संख्या है ना, 1.4, तो 4 1 4, 4 1 4 से कटा तो 1.1 आया। 1.1 × 3 क्या लिखेंगे, QF = 3.3 मीटर। QF = 3.3 मीटर, ये हमारा आंसर है। अतः खंभे की ऊंचाई QF = 3.3 मीटर होगी। आंसर, खंभे की हाइट कितनी निकली, QF = 3.3 मीटर, यही तो लाना था, खंभे की हाइट वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, दिए चित्र में कौन से दो त्रिभुज, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कि कौन से दो त्रिभुज है, जो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सी ए भुजा का मान है एक्स, और ए एम भुजा का मान है वाई, इन्हीं दोनों भुजाओं का मान हमें निकालना है, एक्स और वाई के रूप में है, इनका एग्जैक्ट मान होगा क्या, लंबाई क्या होगी इकाई में, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में कौन से दो त्रिभुज हैं, जो त्रिभुज ए बी सी है ना, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं। तो त्रिचित्र को ही देख के पता चल रहा है कि इसमें दो त्रिभुज और बन रहे हैं। सी से लंब डाला गया है ए बी पर, लंब क्या नाम है इसका, सी एम है ना, सी एम, इसी लंब जब डाला इस त्रिभुज में, बड़े वाले में ए बी सी में, तो ये दो त्रिभुज और लेके आया, कौन कौन से, ए एम सी और बी एम सी है ना, दो त्रिभुज और बने, इन्हीं दोनों त्रिभुज को हमें बताना है कि ये बड़े वाले त्रिभुज है सी ए बी सी, उसके समरूप है कि नहीं, कौन से दो त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, नाम लिखना है, समरूप है तो फिर नाम लिखना है उनका। ठीक है, पहले तो चित्र बना लेते हैं। सातवां प्रश्न है, सातवां का पहला, कोण सी जो है इस प्रकार से है कि वो समकोण है ना, यहाँ पे कोण सी को दिया हुआ है कि वो एक समकोण है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है सी ए बी, और ये लंब है ए बी पर एम। ठीक है, इस प्रकार से चित्र हमारा दिया हुआ है, और सभी के मान दिए हुए हैं, क्या क्या है, बी 16 12, एक्स वाई 20 16 12, एक्स और वाई, इस प्रकार से हमें चित्र दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है मतलब इकाई है ना, 12 20 16 इकाई में दिया हुआ है मान, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि कौन से दो त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है ना, यहाँ ए बी पर लंब डाला गया है सी एम। ठीक है, तो त्रिभुज सी एम बी, सॉरी ए एम सी और बी एम सी, दो त्रिभुज बने अलग अलग से, इन्हीं दोनों त्रिभुज को देखें हम तो ए एम सी व त्रिभुज बी
MC से। चित्र के अनुसार दो त्रिभुज और बने उन दोनों से हम बोल सकते हैं कि कोण M इस त्रिभुज के लिए, कोण M इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए 90 डिग्री बना रहा है। जब किसी बेस पर लंब डाला जाता है तो वो उस बेस के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण AMC बराबर है कोण BMC के, दोनों क्या है 90 अंश के, दोनों ही दोनों 90 अंश के हैं। इस वजह से कोण AMC और कोण BMC बराबर है त्रिभुज AMC और BMC में। और कोई कोण है जो बराबर है? कोण AMC और BMC में, एक मिनट, AMC और BMC नहीं, कोण ACB, ACB और कोण AMC, ये बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में सिमिलैरिटी देखना है ना? क्योंकि इसमें भी एक 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। अगर बड़े वाले त्रिभुज के साथ ये छोटा त्रिभुज सी ए एम सी अगर समरूप हो जाता है, अच्छा वही तो दिखाना है कि पहले इस वाले त्रिभुज को समरूप बनाते हैं बड़े वाले त्रिभुज के साथ, फिर ये वाला जो छोटा दूसरा जो छोटा त्रिभुज बचेगा उसको बताना है कि ये भी बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप है। यही तो प्रश्न था, ठीक है? तो कोण ए एम सी बराबर है कोण ए सी बी के, क्योंकि यहाँ पे कोण सी बी क्या है, सब 90 अंश का है। इस वजह से कोण ए सी बी और कोण ए एम सी आपस में बराबर है और दोनों में ही कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कोण ए बराबर है कोण ए के, दोनों ही है बराबर है क्योंकि उभय निष्ठ या फिर कॉमन एंगल है ना, उभय निष्ठ कोण, ठीक है? अब इसके बाद दोनों त्रिभुज के दो कोण तो बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए एम सी के। कहाँ से आया? कोण, कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। यही तो लाना था कि बड़ा त्रिभुज के साथ छोटा त्रिभुज, एक 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 त्रिभुज ऐसा है जो समरूप है और एक और त्रिभुज, दो त्रिभुज पूछा था, कौन से दो ऐसे कौन से दो त्रिभुज है जो ए सी बी या फिर ए बी सी के समरूप है। तो पहले तो हमें एक त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ए एम सी ए बी सी के समरूप है, ए बी सी या फिर ए सी बी के समरूप है। अब त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज बी एम सी से, इस वाले त्रिभुज से बी एम सी से कौन कौन से कोण बराबर है? कोण ए सी बी बराबर है कोण बी एम सी के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण एम इस तरफ से अगर देखें तो दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री, ठीक है? और दोनों में ही कोण बी क्या है, कॉमन है, ए सी बी और बी एम सी, कोण बी दोनों में कॉमन है, अतः कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ कोण, कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है? अब दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज बी एम सी के, कहाँ से आया? कोण
कोण कोण समरूपता से, इसीलिए प्रश्न के अनुसार पूछा है कि ऐसे दो कौन त्रिभुज है जो त्रिभुज ए सी बी के समरूप होगा, ए बी सी के। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी के समरूप दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, बी एम सी और ए एम सी। ए सी बी के समरूप है दोनों, तो कौन कौन से होंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम सी। होंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, आठवां प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम नौवां प्रश्न दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों में 9 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर है, तो पी क्यू का मान गया क्या होगा, पी क्यू जो भुजा है उसका मान क्या होगा। यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा रेशियो सही होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।